हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रूबी। आज मैं लेके आई हूं ऐसे दो सैंडविच की रेसिपी। अगर इनको आपने अपने मेन्यू में रख लिया तो आप ऑर्डर लेते लेते थक जाओगे, ऑर्डर रुकेंगे नहीं। ये सैंडविच ग्रिल नहीं बल्कि बेक होते हैं और आपको पिज़्ज़ा का पूरा पूरा मज़ा आएगा इनको खा के। इन सैंडविचेस का नाम है ओपन टॉप बेक्ड सैंडविच। तो आज मैं आपको दो टाइप के ओपन टॉप बेक्ड सैंडविच बनाना सिखाऊंगी, एक नॉर्मल पनीर वाला सिखाऊंगी और एक पनीर टिक्का के साथ सिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको पता है ना आपने क्या करना है? आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ, मेरी वीडियो पूरी देखिएगा ताकि कोई टिप्स मिस ना हो। तो पहला सैंडविच मैं सिखाऊंगी आपको पनीर के साथ विद एग्जॉटिक वेजिटेबल्स। सबसे पहले हमने ले लिए हैं चॉप्ड अनियंस, चॉप्ड कैप्सिकम, चॉप्ड टोमेटोस डीसीडेड। मैंने इसकी सीड निकाल ली थी ताकि ये पानी ना छोड़े। और रेड येलो बेल पेपर, ब्रोकली, कॉर्न्स, पनीर के पीसेस, इनका वेट तकरीबन 50 से 60 ग्राम है, ग्रेटेड चीज़, ब्लैक सॉल्ट, ब्लैक पेपर, सीजनिंग, ऑलिव्स, ये है पिज़्ज़ा पास्ता सॉस और ये है चीज़ ब्लेंड जिसको हम वाइट चीज़ ड्रेसिंग बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ जंबो ब्रेड। पहले मैं इसके बारे में बता दूं क्योंकि पिछली वीडियो में जो मैंने ग्रिल सैंडविच की वीडियो बनाई थी उसमें बहुत जनों ने पूछा था कि मैम ये वाली ब्रेड कहाँ से मिलती है। तो ये वाली ब्रेड हर ब्रेड शॉप से मिल जाएगी, बस आपने ये पूछना है कि हमें जंबो ब्रेड चाहिए। मैं मिल्क ब्रेड ले रही हूँ, ये ब्राउन ब्रेड में भी अवेलेबल होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सैंडविच बनाना। सबसे पहले मैं लूँगी पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, ये दोनों साइड में डालूंगी मैं, चीज़ ब्लेंड इसको भी दोनों साइड में डालूंगी। अब इसको कर देंगे ऐसे मिक्स और स्प्रेड। दूसरी साइड भी ऐसे ही करेंगे हम। तो ये देखिए मैंने दोनों तरफ मिक्सचर लगा दिया है। अब सबसे पहले डालूंगी मैं थोड़ा सा ग्रेटेड चीज़, फिर डालूंगी अनियंस, थोड़ी थोड़ी सब्जी डालनी है, ज़्यादा भर भर के सैंडविच में सब्जियां नहीं लगानी, स्कैटर्ड कर देना है थोड़ा थोड़ा। कैप्सिकम, हल्का सा काला नमक, हल्की सी काली मिर्च और हल्की सी सीजनिंग। अब दूसरी ब्रेड लगाएंगे इसके ऊपर। अब डालूंगी रेड येलो बेल पेपर। इसमें मैं एक बात बता दूं आपको, अगर तो आप घर के लिए बना रहे हो तो कोई बात नहीं, आप अपने खुशी से जितने मर्जी डालें। अगर आपने कमर्शियली सेल करना है तो रेड येलो बेल पेपर, ब्रोकली, इस कॉर्न्स, इसके सारे मेजरमेंट्स होते हैं क्योंकि ये थोड़ी एक्सपेंसिव आइटम होती है और हमें कॉस्टिंग का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है, कस्टमर को टेस्ट भी जाए और सफिशेंट क्वान्टिटी भी जाए। तो आप एक मेजरमेंट ज़रूर फिक्स करें इनके। थोड़े से डालूँगी कॉर्न्स, अब डालूंगी पनीर, अब यहाँ कॉर्नर्स में डालेंगे ब्रोकली, ये ब्रोकली मैंने ब्लांच कर ली थी पहले ही। अब स्प्रिंकल करूंगी हल्का सा काला नमक, क्योंकि नमक सारी सॉसेस में होता है तो आपने बिल्कुल हल्का हल्का ही डालना है, हल्की सी काली मिर्च, आप डालूंगी ग्रेटेड चीज़, अब डेकोरेट करूंगी ऑलिव्स के साथ। थोड़ा सा स्प्रिंकल करूंगी सीजनिंग। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल पिज़्ज़ा जैसे लग रहा है। तो इसको हम बेक करेंगे अवन में। अवन में रखने से पहले मैं इस आयरन प्लेट में रखूंगी ब्रेड को। ये है मेरा इलेक्ट्रिक तंदूर जिसको मैंने प्री हीट कर लिया है। घर पे मेरे पास यही छोटा एक तंदूर है,
कमर्शियल किचन्स में हम बड़े ओवन में काम करते हैं। तो शुरुआत में आप ये वाले तंदूर से काम कर सकते हो, क्योंकि ये बेस्ट तंदूर होता है बेकिंग के लिए, क्योंकि शुरुआत में भी मैंने इसी तंदूर से काम चलाए थे। पिज़्ज़ा और सैंडविचेस काफ़ी बनाए हैं मैंने इस तंदूर में। चेक कर लेती हूँ मैं इसको। ये देखिए चीज़ मेल्ट हो गया है, अब इसको थोड़ा थोड़ा ब्राउनिश करेंगे। तो फिर से चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये हो गया थोड़ा थोड़ा ब्राउन। अब ब्रेड चेक कर लेते हैं ये क्रिस्पी हुई कि नहीं। थोड़ी और क्रिस्पी कर लेते हैं ब्रेड को। तो ये हो गया हमारा ओपन टॉप सैंडविच तैयार। अब इसकी हम करेंगे कटिंग। तो अब इसको हम 4 पीसेस में काट लेंगे। तो ये हो गया हमारा ओपन टॉप सैंडविच रेडी। तो चलिए अब दूसरा सैंडविच शुरू करते हैं, जिसका नाम है पनीर टिक्का ओपन टॉप सैंडविच। तो इसके लिए भी मैंने सेम इंग्रेडिएंट्स ही लिए हैं, कॉर्न्स को नहीं लिया है मैंने, और पनीर के पीसेस थोड़े बड़े डाइस में काट लिए हैं। तो इसके साथ मैंने लिया है तंदूरी मैरिनेशन, जिसकी रेसिपी मैंने पनीर टिक्का बटर मसाला की वीडियो में बताई हुई है। तो ये आप हमेशा बना के रखें, क्योंकि ये बहुत चीज़ों में काम आती है। क्योंकि ये पनीर टिक्का सैंडविच है, तो मैं शुरुआत करूंगी तंदूरी मियोनी से। रेडीमेड तंदूरी मियोनी ली है मैंने, थोड़ा सा डाला है मैंने वाइट चीज़ ड्रेसिंग। दूसरे सैंडविच में भी सेम मिक्सचर लगाऊंगी मैं। तो अब इसको कर देंगे मर्ज और स्प्रेड कर दूंगी कोने कोने तक। आप चाहें तो घर की तंदूरी मैरिनेशन से भी इस सैंडविच को बना सकते हैं, बहुत ही फ्लेवरफुल बनता है सैंडविच। अगर आप तंदूरी मायो नहीं बनाना चाहते तो डायरेक्ट ये मिक्सचर से बना लें, अगर हेल्दी वर्जन चाहते हैं। नहीं तो अगर तंदूरी मेयोनी अगर बनानी है तो वो मैंने पिछली ग्रिल सैंडविचेस की वीडियो में बताई हुई है रेसिपी। तो ये दोनों तरफ लग चुकी हैं तंदूरी मायो और चीज़ ब्लेंड का मिक्सचर। अब मैं डालूंगी थोड़ा ग्रेटेड चीज़ बेस में, थोड़ा सा अनियंस, टोमेटोस, कैप्सिकम, हल्का सा काला नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी सीजनिंग। अब इसके ऊपर रखूंगी दूसरी स्लाइस ब्रेड की। अब हम पनीर टिक्का सैंडविच के लिए ये दो चीज़ें मिक्स करेंगे, तंदूरी मैरिनेशन जो हमने घर पे बनाई थी और पनीर। अब इसको कर दिया है मिक्स मैंने, ये देखिए। अब डालूंगी मैं रेड येलो बेल पेपर, थोड़ी सी ग्रीन कैप्सिकम। अब रखूंगी मैं पनीर के पीसेस। ये जो कच्ची मैरिनेशन है, ये जब हम बेक करेंगे तब ये साथ में ही पक जाएगी और ये बन जाएगा पनीर टिक्का। अब रखूंगी मैं ब्रोकली। अब डालूंगी ग्रेटेड चीज। अब डेकोरेट करूंगी ऑलिव से। अब करूंगी सीजनिंग। तो अब इसको करते हैं बेक, डालते हैं ओवन में। तो ये हो गया हमारा सैंडविच रेडी। ये देखिए सारे पनीर पीसेस कैसे रोस्ट हो गए हैं, पनीर टिक्का बन गया है बिल्कुल। तो अब इसकी करेंगे कटिंग।
तो ये हो गया हमारा पनीर टिक्का ओपन टॉप सैंडविच रेडी। तो ऐसे सैंडविच अगर आप घर पे बच्चों को खिलाएंगे तो वो बाहर का पिज़्ज़ा खाना भूल जाएंगे। तो अगर आप कमर्शियली सेल करेंगे तो कस्टमर्स आपके दीवाने हो जाएंगे। तो ये सैंडविचेस आप घर पे बना के देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आपको ये कैसे लगें। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, आपके काम सफल हो, शरबत का भला हो, और हाँ, अपने आप से प्यार करना ना भूलिए और मेरी वीडियो लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलिए। बाय बाय।